नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई मंडी अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं कि 13 अगस्त को महाराष्ट्र की कुछ चुनिंदा मंडियों में क्या रहे फसलों के दाम। अकोला की मंडी में उड़द के दाम थे 5,400 रुपए, चने के दाम थे 4,400 रुपए, मूंग के दाम थे 5,900 रुपए, मक्के के दाम थे 1,525 रुपए, तुअर के दाम थे 6,300 रुपए, ज्वार के दाम थे 1,200 रुपए, सोयाबीन के दाम थे 8,500 रुपए और गेहूँ के दाम थे 1,625 रुपए। गंगापुर की मंडी में बाजरे के दाम थे 1,600 रुपए, मूंग के दाम थे 6,000 रुपए, प्याज के दाम थे 1,490 रुपए और गेहूं के दाम थे 1,760 रुपए। कल्याण की मंडी में केले के दाम थे 2,600 रुपए, उड़द के दाम थे 7,000 रुपए, करेले के दाम थे 1,400 रुपए, लौकी के दाम थे 1,200 रुपए, बैंगन के दाम थे 2,200 रुपए, पत्ता गोभी के दाम थे 1,000 रुपए, शिमला मिर्च के दाम थे 1,200 रुपए, चीकू के दाम थे 2,000 रुपए, फूल के दाम थे 1,000 रुपए, लहसुन के दाम थे 7,000 रुपए, अदरक के दाम थे 3,500 रुपए, हरी मिर्च के दाम थे 2,600 रुपए, भिंडी के दाम थे 1,400 रुपए, प्याज के दाम थे 1,600 रुपए, आलू के दाम थे 1,000 रुपए और टमाटर के दाम थे 1,300 रुपए। कोल्हापुर की मंडी में प्याज के दाम थे 1,500 रुपए, मुंबई की मंडी में आंवले के दाम थे 3,250 रुपए, अरवी के दाम थे 1,750 रुपए, बाजरे के दाम थे 2,200 रुपए, कच्चे केले के दाम थे 2,800 रुपए, करेले के दाम थे 2,300 रुपए, लौकी के दाम थे 1,500 रुपए, उड़द के दाम थे 6,500 रुपए, बैंगन के दाम थे 1,500 रुपए, पत्ता गोभी के दाम थे 1,500 रुपए, शिमला मिर्च के दाम थे 2,300 रुपए, गाजर के दाम थे 3,300 रुपए, लाल मिर्च के दाम थे 30,000 रुपए, क्लस्टर बीन के दाम थे 3,500 रुपए, धनिया के दाम थे 1,800 रुपए और सूखे धनिया के दाम थे 1,300 रुपए, कड़ी पत्ते के दाम थे 2,300 रुपए, चने के दाम थे 5,200 रुपए और मूंग के दाम थे 8,500 रुपए। पुणे की मंडी में सेब के दाम थे 9,000 रुपए, अरबी के दाम थे 1,500 रुपए, बाजरे के दाम थे 2,600 रुपए, करेले के दाम थे 1,600 रुपए, उड़द के दाम थे 8,750 रुपए, लौकी के दाम थे 1,100 रुपए, बैंगन के दाम थे 2,000 रुपए, पत्ता गोभी के दाम थे 600 रुपए, शिमला मिर्च के दाम थे 1,150 रुपए, गाजर के दाम थे 1,400 रुपए, चीकू के दाम थे 2,000 रुपए, क्लस्टर बीन के दाम थे 2,500 रुपए, सूखे धनिया के दाम थे 8,800 रुपए, लहसुन के दाम थे 6,000 रुपए, चने के दाम थे 5,400 रुपए, हरी मिर्च के दाम थे 2,250 रुपए, मक्के के दाम थे 2,450 रुपए, प्याज के दाम थे 1,300 रुपए, आलू के दाम थे 1,050 रुपए और टमाटर के दाम थे 650 रुपए। किसान भाइयों, आज के महाराष्ट्र के मंडी अपडेट्स में बस इतना ही। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।